वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, बिजनेस स्टैटिक्स के अंदर आपके टोटल, आप कंटेंट में जाके देखेंगे तो टोटल 5 यूनिट्स हैं। तो 5 फोल्डर सबसे ऊपर मिलेंगे, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। यूनिट 1 के अंदर अगर आप जाएंगे तो 3 फोल्डर मिलेंगे आपको। पहला फोल्डर में आपका कंटेंट होगा कि यूनिट 1 में कौन कौन से टॉपिक्स आपको टीच किए जाएंगे, ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। फोल्डर नंबर 2 में अगर आप जाते हैं तो आपको मिलता है कि जो टॉपिक्स उसमें है मेंशन, वो सारी टॉपिक्स की वीडियो सीक्वेंस वाइज 1, 2, 3, 4, 5 करके आपको टाइटल वाइज आपको मिल जाएगा। अगर आप फोल्डर नंबर 3 में जाते हो, जो कि मैं कहता हूं कि रामबाण है, क्यों? क्योंकि यूनिट 1 आपने अच्छे से सारे टॉपिक आपको पता है, उसकी वीडियो सारी देख चुके हो। अब आपकी नीड है कि आप पिछले 5 सालों में इस यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है। तो उसके लिए फोल्डर नंबर 3 है PYQ, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है आपका, यूनिट 1 से रिलेटेड ही होगा उसमें। तो 3 फोल्डर आपका। इसी तरीके से आप यूनिट 2 के अंदर जब जाते हैं तो आपको 3 फोल्डर मिलेंगे, वही यूनिट 2 के टॉपिक्स, यूनिट 2 के टॉपिक वाइज वीडियो एंड यूनिट 2 के PYQ, जो यूनिट 2 से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में अभी लेटेस्ट 5 ईयर से क्वेश्चन है। तो ऐसे पूरा कंटेंट आपका मैनेज है, कंटेंट में जाइए और इस तरीके से आपका कंटेंट दिखेगा। और मैं क्या कर रहा हूं कि आपका फोल्डर, हर यूनिट के अंदर फोल्डर 1, फोल्डर 2 मैनेज है, फोल्डर नंबर 3 नहीं है, क्योंकि PYQ वो मैं आपको लाइव क्लासेस में आकर के फोल्डर नंबर 3 करवा रहा हूं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने कंटेंट और अपने सिलेबस को मैच करना है, जो कि 100% मैच होगा। दूसरा, आपको जो टॉपिक वाइज वो सारे वीडियोस देखनी है, तभी आप जो है PYQ कर पाओगे। तो फोल्डर नंबर 2 कंप्लीट करने के बाद ही फोल्डर नंबर 3 पर आप जाना, फिर उसमें आपको आपका एग्जाम ओरिएंटेड होगा। इवन आपका, मैं कह सकता हूं कि पूरा पेपर आपको लगभग आपका इसी में से ही आएगा। पर ये समझने के लिए आपको पहले दो, आपको अपने फोल्डर्स को देखना होगा, उसको समझना होगा। चलिए, आज की क्लासेस में यूनिट 1 फोल्डर नंबर 3 PYQ ऑफ यूनिट 1। क्लियर है बच्चे? तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, ये 2022 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा, 5 क्वेश्चन होंगे, 5ों इक्वल वेटेज का होगा, 15, 15, 15 मार्क्स के, तो 75 मार्क्स आपका होता है। तो पहला क्वेश्चन है 15 मार्क्स का आपके पास में, जिसमें से कि 2 पार्ट होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए आपका 5 मार्क्स का था, तो आपके सामने पार्ट ए है, ठीक है, ये ए लिखा हुआ है। पार्ट बी अगर आप देखेंगे, जो आपका यूनिट 1 से आया था, वो ये आपके पास में है। इसके अंदर भी 2 चीजें पूछी गई हैं, ये आपका 10 मार्क्स का है, 2022 का ही क्वेश्चन है। क्लियर है बच्चे? आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं। पूछ रहे आपसे फाइंड द कॉफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस। बच्चे डिटेल में मैं बता चुका हूं, इस बारे में चर्चा हो चुकी है, डिस्कशन हो चुका है कि कॉफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है। आइए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो कॉफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस आप निकाल रहे हैं, तो इसके 2 फॉर्मूले हैं आपके पास में, हमेशा ध्यान रखेंगे। फॉर्मूला नंबर 1 आपके पास में है, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड फॉर्मूला नंबर 2 आपके पास में बच्चे हैं Q3 प्लस Q1। अब आपको यूनिट 1 की वीडियोस देखोगे टॉपिक वाइज, उसमें आपको समझ में आएगा कि क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3, क्वार्टाइल 4 ये सारी चीजें क्या होती है, परसेंटाइल क्या होती है, ये सारी बात तो आपको तब समझ में आएंगी। क्लियर है बच्चे? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वो बता रहा हूं आपको, आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है। Q3 माइनस Q1 एंड 2 टाइम्स ऑफ Q2। मैं यहां पे नोट डाल देता हूं कि Q2 बेसिकली क्या है बच्चे। Q2 बेसिकली मीडियन ही होता है। Q2 क्या होता है? मीडियन होता है। अब आपके मन में सवाल है कि सर कॉफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस पूछ रहा है, तो कॉफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपके पास 2 फॉर्मूले हैं, तो दोनों में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। तो आप देखिएगा, फॉर्मूला नंबर 1 लेके चलते हो तो आपको मीन और मोड की नीड है, जो कि आपके पास में है भी, गिवन है मीन और मोड। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कहीं पर है नहीं, और स्टैंडर्ड डेविएशन आप इन इन्फॉर्मेशन की हेल्प से आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हो, तो फॉर्मूला नंबर 1 रिजेक्ट हो जाता है। फॉर्मूला नंबर 2, अब आप कहोगे सर फॉर्मूला नंबर 2 में Q3 और Q1 कहाँ है, तो बच्चे समेशन ऑफ क्वार्टाइल्स है ये, इसे हम क्या बोलते हैं देखेंगे अगर आप, तो सम ऑफ क्वार्टाइल्स आपके पास में 25 है, इसको पूरे को सम ऑफ क्वार्टाइल्स बोलेंगे, ठीक है। और डिफरेंस ऑफ क्वार्टाइल्स आपके पास में ये रहा, ये गिवन है। अब बोलोगे सर Q2 तो यहां पर भी नहीं है, मींस मीडियन यहां पर भी नहीं है, तो यहां पर जो आपके पास में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसकी हेल्प से आप Q2 फाइंड कर सकते हो। कैसे? इसके लिए आपको पता होना चाहिए रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। तो आइए उसको देख लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन
मीन, मीडियन एंड मोड। क्लियर है बच्चे? तो ये रिलेशन क्या होता है, मोड इक्वल्स टू थ्री टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस टू टाइम्स ऑफ मीन। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये रिलेशन कभी भूलना मत। कई बार आपके क्वेश्चंस में डायरेक्टली पूछ भी लेता है और असेसमेंट जो आपका आएगा उसके अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर होगा। क्लियर है बच्चे? तो इसका मतलब क्या है, तीन चीजें हैं मोड, मीडियन, मीन। तीन में से कोई भी अगर दो दे दे, कोई भी दो हो, तो तीसरा आप निकाल सकते हो इसकी हेल्प से। इसका मतलब ये हुआ, इस रिलेशन का मतलब ये हुआ, इसकी बार बार आपको नीड भी होगी। तो आइए, तो यहां पर आपके पास में क्या है, आपके पास में मोड गिवन है 10, 3 इंटू मीडियन, मीडियन है नहीं है, मीडियन को बेसिकली क्या बोलते हैं हम, Q2 एंड 2 टाइम्स ऑफ मीन। मीन आपके पास में है, मीन आपके पास में 13। तो सॉल्व करेंगे, Q2 इक्वल्स टू 10 और 26, 36 अपॉन 3, 12 आपका Q2 आ गया। क्लियर है बच्चे? मतलब कि आपके पास में वैल्यू आ गई। अब आपको पता है कॉफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस, अब स्क्यूनेस का आप कॉफिशेंट कैलकुलेट करेंगे तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे आप, आपका फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करने जा रहे हैं आप फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं स्क्यूनेस का कॉफिशेंट अगर आप कर रहे हैं तो आप Q3 प्लस Q1 अपॉन Q3 माइनस Q1। क्लियर है बच्चे? समझ में आए आपको? एंड माइनस 2 टाइम्स ऑफ Q2 सेलेक्ट हो गया फॉर्मूला। अब समीशन ऑफ क्वार्टाइल्स क्या गिवन आपके, समीशन ऑफ क्वार्टाइल्स आपके पास में 25 है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीडियन, तो मीडियन क्या निकाला आपने, 12 निकाला, अपॉन में Q3, तो Q3 आपके पास में बच्चे क्या है, तो सॉरी Q3 माइनस Q1 डिफरेंस ऑफ क्वार्टाइल्स, तो डिफरेंस ऑफ क्वार्टाइल्स होगा आपका डिफरेंस ऑफ 2 क्वार्टाइल्स 11। एंड सॉल्व करेंगे आप 1/11 एंड सॉल्व करेंगे 1/11 इक्वल्स टू, कैलकुलेटर है। देखिएगा बच्चे, स्टैट्स के अंदर आपका सिलेबस बहुत लेंथी है, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बहुत लेंथी है। आप अपने बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स में सबसे बड़ा सिलेबस आप बिजनेस स्टैट्स का ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कैलकुलेशन की अगर आप बात करते हैं तो कैलकुलेशन के मामले में मैं कहूँगा नहीं है कैलकुलेशन। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास में कैलकुलेटर आपको अलाउ है। तो अगर आपको 1/11 करना है तो क्या आपको कैलकुलेट करना है ये बताओ मुझे, 0.09। क्लियर है बच्चे? ये बात समझ में आपको आई, पूरा क्वेश्चन समझ में आया आपको? तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ सकते हैं, तो डायरेक्ट आपको ऐसे कर लेना, बड़े इजीली आप कर लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 2022 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट अगर देखेंगे उसमें भी दो चीजें पूछ ली हैं आपसे। तो क्वेश्चन आपके पास में ये 10 मार्क्स का, दोनों मतलब 5-5 मार्क्स का, अगर आप एक कर पाते हो एक नहीं कर पाते तो आपको 5 मार्क्स ही मिलेंगे। ये मत सोचिएगा कि 10 में से 8 और 7 मिल जाएंगे आपको। अब आप देखेंगे यहां पर, तो क्वेश्चन आपके पास में है, अ पर्सन परचेज पेट्रोल एट द रेट ऑफ द 92 रुपीज, 94 रुपीज, 96 एंड 99 रुपीज पर लीटर फॉर 4 सक्सेसिव डेज। कैलकुलेट द एवरेज प्राइस ऑफ पेट्रोल इफ ही स्पेंड द 1000 रुपीज डेली। देखिएगा बच्चे, सबसे पहले आपको समझना होगा एवरेज प्राइस ऑफ पेट्रोल क्या होता है, एवरेज प्राइस ऑफ पेट्रोल। तो इसका टोटल स्पेंट ऑन पेट्रोल, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल अपॉन में टोटल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल। क्लियर है बच्चे? अब यहां आप देखेंगे एवरेज प्राइस, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल अगर आप निकालते हैं वो तो आपके पास में क्लियर है कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल ये आपके पास में क्या है, आप 4 डेज में, आप 1000 रुपीज आप डेली एक्सपेंस कर रहे हैं तो 4 दिन में आप कितना एक्सपेंस कर देंगे, टोटल एक्सपेंडिचर 4000 रुपीज।
अब आपको निकालना है टोटल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल, तो आप क्वांटिटी निकालिए पहले, क्योंकि हर दिन के प्राइस डिफरेंट है तो हर दिन क्वांटिटी डिफरेंट आएगी। क्वांटिटी डे वन ये क्या आएगा, तो क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा एग्जांपल लूं कि बच्चे बताइए जरा, मैं 100 रुपये मैंने आज मार्केट में खर्च करे पटेटो पे और 20 रुपीज पर केजी पटेटो का रेट है, तो 1 किलो 20 रुपये का है और मैं 100 रुपये खर्च करके आ रहा हूँ, बता दिए कितने क्वांटिटी में लाया हूँगा। आप बोलोगे सर 5 केजी लाए हो आप, तो मतलब एक्सपेंडिचर और ईच का रेट से डिवाइड करोगे तो उसकी क्वांटिटी आ जाती है। तो ऐसे ही आप क्वांटिटी डे वन का आप करेंगे तो एक्सपेंडिचर डे वन में कितना करा, आप डेली 1000 रुपये एक्सपेंस करते हैं और उसका प्राइस क्या है 92 है, क्लियर है। इसी तरीके से आप क्वांटिटी डे टू की अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो डे टू की क्वांटिटी में आपके पास में एक्सपेंडिचर क्या है आपका 1000 रुपीज, बट प्राइस क्या है डे टू का डिफरेंट प्राइस है 94 एंड सेकंड क्वांटिटी ऑफ डे वन ऑफ डे टू ऑफ डे थ्री 1000 रुपीज अपॉन में 96। क्वांटिटी ऑफ डे फोर अपॉन 99 रुपीज। टेन पॉइंट सिक्स थ्री एंड डे थ्री क्वांटिटी क्या है आपके पास में 1000 डिवाइडेड बाय 96 10.41 एंड 1000 डिवाइडेड बाय 99 10.10। क्लियर है बच्चे, अब आपको अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपका फॉर्मूला क्या कहता है, एवरेज प्राइस ऑफ पेट्रोल, एवरेज प्राइस ऑफ पेट्रोल इक्वल्स टू आपके पास में क्या है टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन 10.86 प्लस 10.41 बच्चों थोड़ा सा स्पेस अगर आपको दिखे नहीं तो आपको बोलना है, ठीक है, तो 10.86 प्लस 10.663 प्लस 10.41 एंड प्लस मैं इसी के नीचे प्लस आगे लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, प्लस 10.10। तो सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास में क्या आएगा 4000 अपॉन 10.86 प्लस 10.63 प्लस 10.41 प्लस 10.10 तो आपके पास में क्या है 42 एंड सॉल्व करेंगे 1000 डिवाइडेड बाय 42 तो 20 एवरेज प्राइस ऑफ पेट्रोल, तो बच्चे कुछ तो गड़बड़ करा है हमने, ठीक है सही है यहां तक 4000 डिवाइडेड बाय 42 95.23 ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है बच्चे समझ में आया आपको ये। और आपसे क्वेश्चन नंबर टू क्या पूछ रहा है, इफ द परचेज 20 लीटर ऑफ द पेट्रोल डेली और रेट तो आपको पता है 20 लीटर डेली, सेकंड का कह रहा हूं
सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, तो आपको वही बताना है एवरेज प्राइस ऑफ पेट्रोल तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल अपॉन टोटल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल, टोटल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल टोटल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालोगे, क्योंकि हर दिन के रेट अलग है तो हर दिन का एक्सपेंडिचर डिफरेंट होगा। पहले क्वेश्चन में कहता है कि हर दिन 1000 रुपीज एक्सपेंस कर रहा हूं मैं डेली, तो डेली का एक्सपेंडिचर मालूम था तो 4 डेज का 4000 हो गया था, बट यहां पर ऐसा नहीं होगा। तो यहां पर आपके पास में एक्सपेंडिचर क्या होगा, एक्सपेंस स्पेंट एक्सपेंडिचर ऑन डे वन, डे वन का रेट क्या है, क्वांटिटी तो मालूम है, एक्सपेंडिचर कैसे आता है। मैं अगर आपसे बोलूं कि मैं 10 रुपीज की एक यूनिट है और मैं 5 यूनिट बाय कर रहा हूं, क्वांटिटी है ये, प्राइस है, प्राइस मींस एक की वैल्यू क्या है और क्वांटिटी मतलब कि कितनी क्वांटिटी ले रहे हो, तो एक 10 का है, 5 ले रहा हो तो कितने खर्चा हुआ, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ना 50 रुपये। ऐसे ही एक्सपेंडिचर कैसे निकालोगे डे वन का, तो 20 क्वांटिटी ले रहे हो और डे वन का रेट क्या है पर लीटर 92 है, तो सॉल्व करेंगे 4 1840 रुपये, क्लियर है, 92 ही रेट है, 92 94 96 99 यही है ना, 92 94 96 99 ठीक है। एंड एक्सपेंडिचर ऑन डे टू, एक्सपेंडिचर ऑन डे टू 20 × 94 1880 रुपये एंड एक्सपेंडिचर ऑन डे थ्री 20 × 96 1920 रुपये 12 18 और 1 19। अब एक्सपेंडिचर ऑन डे थ्री ऑन डे फोर तो 20 लीटर ईच डे ले रहे ना, तो 99 रुपीज़ का रेट है उस दिन, तो आप सॉल्व करेंगे 18 1 18 और 1 19 0 ये एक्सपेंडिचर है। तो टोटल एक्सपेंस कैसे निकालेंगे आप, टोटल एक्सपेंडिचर आप निकालेंगे बच्चे 1840 1840 1880 1880 1920 1920 1980 1980 7620 ये टोटल एक्सपेंडिचर है। एंड आपको अब क्या निकालना है, एवरेज प्राइस ऑफ पेट्रोल, एवरेज प्राइस ऑफ पेट्रोल। तो एवरेज प्राइस ऑफ पेट्रोल का फॉर्मूला क्या था, टोटल एक्सपेंडिचर, आपको पता है टोटल एक्सपेंडिचर क्या है 7620, टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी आपको 20 लीटर ईच डे है, तो टोटल क्वांटिटी आपका क्या हो गया 20 लीटर ईच डे, तो 4 डे में 80 लीटर हो गया, तो 7620 अपॉन में 80 सॉल्व करें, 762 / 8 तो 95.25। तो सेकंड केस के अकॉर्डिंग आपका एवरेज प्राइस ऑफ पेट्रोल क्या है, 95.25 रुपीज। तो आसान क्वेश्चन था, 2022 में मैं यही कहूंगा कि पहला क्वेश्चन 15 नंबर का फ्री का मार्क्स था आपका, बिल्कुल क्लियर है बच्चे। अब यहां पर आपके पास में मैं आता हूं 2021 के क्वेश्चन पे, 2021 में क्या पूछा था आपसे,
बीकॉम ऑनर्स में पूछा गया है 2021 में ये क्वेश्चन। पहले आप ट्राई करेंगे, क्या है आउट ऑफ ऑल द एवरेज वाई द अर्थमेटिक मीन इज द मोस्ट पॉपुलर एवरेज इन स्टैटिक्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन थ्योरेटिकल पार्ट है, लेंगे इसका आंसर। अभी न्यूमेरिकल करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द मीडियन एंड सेवन, ये पूरा क्वेश्चन बाद में लेंगे क्योंकि अभी अभी परसेंटाइल और सारी चीज समझना है आपको। आपको खैर मीडियन कैलकुलेट कर सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट द कार्ल पियर्सन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। चलिए सारे जो जो चीज कर सकते हो आप, जो अभी तक पढ़ाया उससे पहले बताता हूँ मैं आपको। पहले क्या निकालोगे आप इसमें, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कैलकुलेट द कार्ल पियर्सन। तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, आपको मीडियन निकालना है। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द मीडियन 70 परसेंटाइल, और आप इसमें से आप मीन भी निकाल लीजिए। क्लियर है बच्चे? तो करें जल्दी से, वीडियो रुक रही है। अब देखिए जरा, ये क्वेश्चन है आपके पास में, आपको मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालना सिखाया था ना आपको बच्चे, एक तो आपका एफ से क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा, यहां से मीडियन निकाल लेंगे इसकी हेल्प से। एक आपके पास में डी का कॉलम आ जाएगा, एक आपके पास में एफ डी का कॉलम आ जाएगा, और एक एफ डी स्क्वायर का कॉलम आ जाएगा। ठीक है, और आगे नीड होगी तो बढ़ा देंगे। सबसे पहले आपसे पूछ क्या रहा है इसमें, मीडियन वो तो आप निकाल सकते हो। तो ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन नहीं है, आपको तीन चार चीजें पूछ रहा है, उसमें से आपको एक नहीं आया तो पूरा सवाल ही छोड़ दिया। जो जितना कर सकते हो करो, नंबर मिलेंगे। कैसे देखो, पहले पूछ क्या आपसे, फोकस द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द मीडियन। ठीक है भैया, मीडियन निकालने के भी नंबर आपके मिलने हैं, 15 नंबर का एक क्वेश्चन आ गया। क्लियर है? चार से पांच चीजें पूछी, तीन तीन नंबर का हर कुछ पूछ लिया, दो नहीं बता पाए, तीन भी चीजें बता पाए, तो नौ नंबर तो आपने ले लिया हुआ ना वहां से। तो सबसे पहले आप क्या निकाल सकते हो, मीडियन। मीडियन में दिक्कत क्या है, क्या आपको मीडियन का फॉर्मुला नहीं बताया आपको? नहीं, क्या आपको मीडियन का फॉर्मूला नहीं बताया गया? बताइए जरा, मीडियन इक्वल्स टू क्या होता है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। बताइए जरा, क्या आपको मीडियन का ये फॉर्मूला नहीं बताया गया था? तो अब आपके पास सी एफ चाहिए ना, तो सी एफ कैसे निकालोगे आप, 521 ऐड कर दो, 26 एंड 40 66 एंड 39, तो 9105। क्लियर, देख लेते हैं कहीं गलती से कोई गलती ना हो जाए। 66 प्लस 39, 105 प्लस 28, 133 प्लस 12, 145 एंड प्लस 5 150। समीशन ऑफ एफ आपके पास में क्या है, या फिर आप एन बोल सकते हो, 150। क्लियर है बच्चे? अब आपके पास में यहाँ पर एन बाय टू, एल तो आपको एन बाय टू क्या आएगा आपके पास, साइज ऑफ मीडियन पहले लेंगे आप, साइज ऑफ मीडियन एन बाय ट्वेल्थ टर्म, जो कि क्या आएगा आपका, एन बाय ट्वेल्थ मतलब 150 डिवाइडेड बाय ट्वेल्थ टर्म इक्वल्स टू 75th। तो 75th किस में आएगा आपके पास में, एन आपका 150 एन बाय टू 75 सी एफ में चेक करेंगे ना आप, ये तो आपके पास में 75 इसमें आएगा। ये ग्रीन देख रहे हैं आप, थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, ये 75 सी एफ में देखोगे ना आप, ये रहा, ये 75 है आपका। अब आप सॉल्व करते हैं, तो आपके पास में मीडियन निकालेंगे, तो आपके पास फॉर्मूला है एल, एल क्या है इसके अंदर, लोअर लिमिट 250 प्लस एन बाई टू आपका 75 है माइनस सी एफ, तो इससे अबव वाला सी एफ होगा 66 है अपॉन एफ 39
इंटू आई, आई क्या आपके पास में 50, टू फिफ्टी प्लस 9 अपॉन 39 इंटू 50, मीडियन इक्वल्स टू 250 प्लस 39 एंड मीडियन इक्वल्स टू 250 प्लस 450 डिवाइडेड बाय 39, तो आपके पास में 11.53 एंड इक्वल्स टू प्लस 250, तो 261.53। ये क्या है आपका, ये आपका मीडियन है। तो पहले पहला फेस आपने निकाल लिया। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं सेकंड फेस में, 70th परसेंटाइल। अब देखिएगा बच्चे, 70th परसेंटाइल कैसे निकलेगा, 70th परसेंटाइल, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, साइज ऑफ परसेंटाइल, साइज ऑफ 70th परसेंटाइल, ये सब बताया हुआ है। आप अगर पहले, सबसे पहले आपको पूरा कोर्स देखना होगा, अगर आपको अच्छे से पिक करना है चीजें क्या है, परसेंटाइल क्या है, क्यों है, कंटेंट देखना पड़ेगा, पीवाई क्यों चल रहा है आपका, साइज ऑफ परसेंटाइल। तो आपके पास में एन को 100 टाइम आप कर देते हैं, किसी भी आप फ्रीक्वेंसी किसी भी डेटा को 100 टाइम्स कर देते हैं, तो ये 1 परसेंटाइल होता है। 70th के लिए आपको 70 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 70 और आपके पास में एन, एन के आपके पास में 150 अपॉन 100 और सॉल्व करेंगे आप 70 इंटू 3 बाई 2 एंड सॉल्व करेंगे 35 इंटू 3 और 105 ये है। और इसका आपके पास में 70th परसेंटाइल कैसे निकालोगे, अभी तो साइज निकाला है आपने, 70th परसेंटाइल इक्वल्स टू एल प्लस वही आपका आएगा 70 एन बाय 100 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। अब देखें जरा 105 किसके अंदर स्टैंड कर रहा है, 105 इसी में स्टैंड कर रहा है, तो सेम आपके पास बन जाएगा 250 प्लस 105 माइनस सी एफ 66 अपॉन एफ 39 एंड आई 50 है, 50 है, सॉल्व करेंगे तो 250, छोटा टॉपिक सेम बच्चे, तुमसे पैनिक आप हो जाओगे तो कुछ नहीं होना, 105 माइनस 66 39 अपॉन 39 इंटू 50 कट गया 300 इसका आंसर है, तो 6 नंबर तो आपके यहीं पे हो गए, लो क्लियर है। लेकिन पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा, क्या चीज़ छोड़ के चलोगे आप बताओ, क्या इंपॉर्टेंट बताऊँ मैं आपको, पेपर तो आसान है, क्वेश्चन का कम टाइम में हो जाएगा, टाइम प्रॉपर है आपके पास में, लेकिन उसके लिए आपको पूरा कोर्स कवर करना पड़ेगा, और बिजनेस स्टैट्स के कोर्स को कवर करना बच्चों का काम नहीं है। हाँ जी बच्चे, अब आपको क्या निकालना है, यहाँ से आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन थ्रू द स्टेप डेविएशन मेथड। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ऑलरेडी टॉपिक में क्लियर करा है आपको, ये क्लियर है बच्चे, तो यहां पर आप देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपके पास में जो तरीका है उसका ये है, फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन बता देता हूं मैं आपको पहले, फ्रॉम स्टेप डिविशन मेथड, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय स्टेप डिविशन मेथड, बाय स्टेप डेविएशन मेथड, क्लियर है बच्चे,
तो ये चीजें क्या हैं उसको जरा समझिए। इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू समीशन एफ यू भी कह देते हैं इसको, एफ यू स्क्वायर अपॉन में समीशन एफ माइनस समीशन एफ यू अपॉन में समीशन एफ या बाय एन भी बोल देते हैं इसका स्क्वायर एंड अंडर रूट। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है आपका। और एफ यू क्या, मैं आपको याद करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इससे याद रहेगा आपको। आपको एफ डी तो पता नहीं क्या होता है, एफ डी स्क्वायर जो पहले आपने मीन में पढ़ा है अपॉन में समीशन एफ या फिर आप कर लीजिए एन माइनस समीशन एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर और इसका रूट। अब आपके मन में क्वेश्चन है सर ये डी क्या है, एन क्या है, एफ डी का होल स्क्वायर क्या है, एफ डी स्क्वायर क्या है, ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में है। तो बच्चे नेक्स्ट क्लासेस में हम इसको कवर करेंगे और नेक्स्ट क्लासेस में इसको हम जो है कवर करने वाले हैं, ठीक है बच्चे। तो यहां पर आपके पास में अभी कुछ पार्ट रह गए हैं इसके अंदर, कैलकुलेट द कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस अभी निकाला था ना, दोबारा से निकालेंगे स्क्यूनेस, बड़ा मजा आएगा आपके पास में। और कैलकुलेट द कार्ल पियर्सन, इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, फिर उसका मोड भी निकालेंगे क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी मीडियन है और मीन निकालेंगे, मीन की हेल्प से मोड निकालेंगे रिलेशन से। अब मोड तो खैर से पूछ नहीं रहा, पूछ रहा है कि इसमें फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द मीडियन 17th परसेंटाइल स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, आल्सो फाइंड द परसेंट वर्कर। तो ये चार पांच चीज़ें पूछा हुआ है, नेक्स्ट क्लासेस में दो करवा चुका हूँ, बाकी तीन आपको अगली क्लासेस में करवाऊंगा। तो थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और आपका जो सिलेबस है, जो वीडियोज़ है, वो आप अपने फोल्डर में जाइए, टॉपिक वीडियो सब देखिए। और अगर मैं आपकी अब लाइव क्लासेस ले रहा हूँ, लेता रहूँगा, एग्जाम तक लेता रहूँगा, लेकिन जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है आपके पास में आ चुकी हैं उसको दोबारा रिपीट करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अब उसमें जो चीज़ें और हम उसको अच्छा कर सकते हैं कंटेंट को अपने, और PYQ आपको मिल जाए वो बेटर है। अब क्या है कि आपके ऊपर है कि आप अपने सिलेबस को कितनी जल्दी कवर करते हैं। अब आप 21-22 जो वीडियोज़ हैं आप उसको 30-40 मिनट की वीडियो हैं आप उसको 7-8 दिन के अंदर कवर कर सकते हैं। और उसको कवर करने के बाद जो क्वेश्चन मैंने करवा रखा है बस उतना ही करो, ज़्यादा मत करो। उसके बाद आप सीधा 10 ईयर पे आ जाओ, प्रीवियस ईयर पे आ जाओ, 5 साल के क्वेश्चन कर लो बस, ज़्यादा लोड नहीं लेना। सिर्फ बिजनेस स्टैट्स का पेपर नहीं है, बाकी पेपर भी हैं आपके, इसमें ही फुल स्कोर हो जाएगा। तो बाकी आप जो है अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे और बाकी मार्क्स डिस्टर्ब करेंगे उसका कोई फायदा नहीं है। तो जितना वीडियो में पढ़ाया गया है, जो कंटेंट पढ़ाया गया है, इनफ है, सफिशियंट है 100% आपके मार्क्स आने के लिए। लेकिन प्लस में जो कंपलसरी है, जो कि मेरा फोल्डर नंबर 3 होगा आपके कंटेंट में, उसमें PYQ यूनिट वाइज उसको कर लीजिएगा, कुछ भी आपका मिस नहीं होगा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीक पूनम, नेक्स्ट वीक से स्टार्टेड अच्छे से बिल्कुल प्रॉपर टाइम टेबल से कैट की क्लासेस नेक्स्ट वीक से स्टार्ट है, होली के बाद। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।